के दौर में लोग जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनकी सबसे पहली चॉइस होती है पनीर की कोई रेसिपी, और अगर पनीर बटर मसाला मिल जाए तो क्या कहने। तो आपके लिए मैं यही आज रेसिपी लेके आई हूँ, पनीर बटर मसाला। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये देखिए पनीर के क्यूब्स लिए हैं, तो इसको मैंने कट कर लिया है बड़े बड़े पीसेस में। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर सकते हैं, आप होममेड पनीर भी ले सकते हैं या फिर मार्केट का भी ले सकते हैं। अगर आप होममेड पनीर को खाना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी। उसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च लिए हैं, स्लिट कर लिया है। गार्निश के लिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है, नमक स्वादानुसार, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 बड़े चम्मच मक्खन लिया है, 8 से 10 काजू, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का पत्ता ड्राई, 1/2 टीस्पून सुगर। यहाँ पे मैंने अनियन को चॉप्ड कर लिया है, 1 बड़ा साइज का अनियन लिया है, 2 मीडियम साइज का रफली चॉप्ड टोमेटो कर लिया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे कुछ सूखे मसाले लिए हैं, 1 तेज पत्ता, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया, खड़ा धनिया है ये, 2 से 3 लौंग, 4 से 5 हरी इलायची, 1 इंच का दालचीनी, पानी लिया है और ऑयल। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके सूखे मसाले को डाल दिया है। अब मैं इसमें अनियन ऐड करूंगी, सॉटे कर लेंगे इसको। अब मैं इसमें कैश्यू ऐड करूंगी, 10 से 12 कैश्यू। अब इसमें हम टोमेटो ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर, टमाटर के फास्ट कुक के लिए मैं अब इसमें सॉल्ट भी ऐड कर देती हूँ, नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। यहाँ पे मैंने काजू को ऐड किया है, तो काजू मीठा होता है, अगर आपको ज्यादा मतलब मीठा अगर सब्जी में अच्छा नहीं लगता है तो आप काजू के इंस्टेड में आप बादाम को ऐड कर सकते हैं, बट उसको सोक्ड करके पील ऑफ कर लें तब ऐड करें। अब स्लो फ्लेम पे इसको ढककर 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। और 1 से 2 मिनट हो गया है, आइए चेक कर लेते हैं। तो टमाटर अच्छे से कुक हो चुका है, अब इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। टमाटर का जो पेस्ट है वो अब बनने के लिए रेडी है, ये ठंडा हो चुका है, आइए अब इसका पेस्ट तैयार करते हैं। इसको मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफर कर दें। अब हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे एज यू नीडेड, उससे पहले हम इसमें से तेज पत्ता को हटा लेंगे। टोमेटो प्यूरे का जो पेस्ट है वो रेडी हो गया है। तो अब सेम पैन में हम आगे की प्रोसेस को करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे मक्खन ऐड कर रही हूँ, फ्लेम को स्लो रखेंगे, और मक्खन के साथ ही साथ मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर दूंगी ताकि मक्खन हमारे जले नहीं। अब मैं यहाँ पे जीरा और 2 हरी इलायची ऐड कर दूंगी, फ्लेम को स्लो रखेंगे, इसका हल्का सा अरोमा आ जाएगा तब तक इसे हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। अब पिंच ऑफ हींग ऐड करूंगी, अब इसमें इस पेस्ट को ऐड कर देंगे। इसके छींटे उड़ते हैं तो थोड़ा ध्यान से इसको स्टिर करते रहें। इसमें अब हम कसूरी मेथी को ऐड करेंगे, गरम मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम
पनीर के क्यूब्स को ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। आप इस स्टेज पर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और एक उबाल आने देते हैं। अब इसको ढककर एक मिनट के लिए पकाएंगे ताकि पनीर में अच्छे से मसाले एब्जॉर्ब हो सके। एक मिनट हो चुके हैं, अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। उससे पहले मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड करूंगी, ये भी ऑप्शनल है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। अब इसमें लास्टली धनिया का पत्ता ऐड करना है, ये आप गार्निश के समय भी ऐड कर सकते हैं और पहले भी ऐड कर सकते हैं, चॉइस डिपेंड अपन यू। अब यहाँ पे हमारा पनीर बटर मसाला रेडी है, अब इसको हम क्रीम के साथ गार्निश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पनीर बटर मसाला बनकर रेडी है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे न्यू नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। टिल देन फॉर द नेक्स्ट रेसिपी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।